नवादा के झूमर मिस्त्री ने एक ऐसा कमाल किया है जहां पर उन्होंने इस कोरोना महामारी में एयर कंडीशन पीपी किट बनाए। जो तस्वीर आप देख रहे थे, देखें किस तरह से एयर कंडीशन ये पीपी किट बनाए है, उस पीपी किट का कैसे वो बना है इसके बारे में भी झूमर मिस्त्री से हम जानेंगे। लेकिन पहले हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर से अनुमान लगा सकते थे एयर कंडीशन पीपी किट है, ये पूरी तरह एयर कंडीशन पीपी किट है जो कोई भी युवक आराम से इसे पहन सकता है और ये एयर कंडीशन पीपी किट का यूज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इधर झूमर मिस्त्री है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो पीपी किट बनाए है कैसे बनाए, क्या कुछ लगा इसमें। ये जो है पीपी किट है, एयर कंडीशन पीपी किट है, इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशन पीपी किट है, और इसको कोरोना महामारी में जो है बहुत से लोग जो है मतलब डॉक्टर फ्रंट लाइन वर्कर जो है जो पीपी किट पहन कर करके काम करते हैं वो उनके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि पीपी किट में जो है ज़्यादा देर तक लोग नहीं रह सकते हैं, गर्मी लगता है, पसीना निकलता है, पसीना की वजह से जो है बेचैन हो जाते हैं डॉक्टर लोग, और पसीना की वजह से संक्रमित भी हो जाते हैं। संक्रमित होने के बाद कभी कभी गंभीर बीमारी का भी सामना उनको करना पड़ता है, रोगग्रस्त हो जाते हैं, उसके कारण जो है बहुत से डॉक्टर मतलब मृत्यु भी हो जाती है उनके। और इस सवाल है, तो ये पीपी किट जो आप बनाए हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं पीपी किट पहने हुए, ये पीपी किट में क्या क्या लगता है, कितने की कॉस्ट आती है, कैसे इसकी निर्माण की जाती है? ये पीपी किट जो है इसमें एक एयर ब्लोअर लगाए हैं और ऊपर मास्क लगाए हैं। इस खासियत इस पीपी किट में ये है कि ये पीपी किट पहनने के बाद जो है आपको मास्क यूज नहीं करना है, बिल्कुल ऑलरेडी मास्क रूप पेन ये जो है पूरा डस्ट प्रूफ है, जो भी कहीं से भी ये डस्ट प्रूफ है, बिल्कुल कहीं से भी लीकेज नहीं है, जो भी हवा जाएगा वो एयर ब्लोअर के द्वारे फिल्टर से डबल फिल्टर होकर के जाएगा और पूरी शरीर को ये ठंडा करेगा। इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है जो हेलमेट के रूप में जो मास्क है पहनते ही अपने आप जो है चालू हो जाएगा, जैसा कि आपने पहन कर चेक किया, और जब चालू हो जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए, एयर को ठंडा करने के लिए एक जाली लगा हुआ है, उस जाली पर 5 से 7 सेकंड हवा को स्टॉक करता है, वो रोक करके उसके बाद वो प्रवाहित करता है, अब पूरे बॉडी को प्रवाहित करने लगता है, ठंडा होने लगता है। और जैसे जो मास्क पहने हुए हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं इसको निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए, ये सुरक्षित निकालने के लिए ये जो है इधर देखिए, ये सुरक्षित निकालने के लिए देखिए डस्ट, ये डस्ट ये जो है रिलीज वाल्व लगा हुआ है, रिलीज सेफ्टी वाल्व ये चार लगा हुआ, चार ये पीछे यहाँ से जो है एयर निकलेगा, बाकी वहाँ से लेगा, ये 100% जो है प्रूफ है, मतलब संक्रमित होने का बहुत कम चांसेज रहेगा इसमें। और इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं, टोटल मिला के लगभग 6,6100 रुपया में तैयार हो गया है पूरा, 5 से 6 दिन लगा है समय, लेकिन पहले बहुत पहले इसको बनना चाहिए लेकिन नहीं बन सका, क्योंकि ये इसका डिजाइनिंग जो है अकेले नहीं समझ में आ रहा था, हमारी बच्ची जो है एक मतलब NIT जयपुर में पढ़ती है, वो डिजाइनिंग बनाई, अभी लॉकडाउन में आए हुए है बच्चे लोग, और पत्नी को बोले कि इसको जो है ये CEO इसको एक या, और जैसे जो आज जो पीपी किट जो है वो रेडीमेड है, हम निकालिए और यूज करके फेंक दीजिए, वैसा नहीं है, ये जो है कपड़ा जिसे हम पहन करके उसको साफ करके फिर से यूज करते हैं, वो यूज करिए इसको, ये बहुत मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको सिर्फ गर्म पानी में नहीं बल्कि ठंडा पानी में जो भी डिटर्जेंट पाउडर केमिकल जो भी चीज़ है, हर आपदा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप बनाते हैं, और क्या ये जो बनाते हैं ये सक्सेसफुल होती है, जिला प्रशासन या तमाम जो सरकार है क्या कभी आप पर ध्यान दिए हैं? देखिए शुरू में तो उत्साह रहता है प्रशासन और अधिकारी लोग का भी, शुरू में फर्स्ट में जब बनाते हैं तो उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके के वो उत्साह ख़त्म हो जाता है, गतलखाना में चला जाता है, लाभ कुछ नहीं मिल पाया। जिसे इससे पहले हम सबसे बड़ा चीज़ ऑटोमेटिक रेलवे सुरक्षा गेट बनाया, जैसा कि आप लोगों ने चलाया, वो DRM GM पुरस्कृत भी किए, सक्सेसफुली हुआ, सर्टिफिकेट भी दिए, DRM GM के पास सर्टिफिकेट
2000 रुपये का चेक दिए, उसमें 1 लाख से ऊपर मेरा खर्च हुआ, लेकिन फिर कतरखाना में चल जाता है। इसके बाद जो है अभी आपको टिड्डी दल का तय आया, टिड्डी दल के लिए भी बनाए, उसमें भी कृषि विभाग से कुछ नहीं मिला। एक मतलब आपको जो बिहार कृषि महाविद्यालय है भागलपुर, वहाँ से पुरस्कृत किए वहाँ का बस, और कहाँ कुछ मिला, कुछ नहीं मिल पाता है, वो सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता है, ये तो दिक्कत है। तो आपने सुना थे झूमर मिस्त्री है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, लेकिन आप देख रहे तो ये बनाने में उनके परिवार की पूरी हाथ है, और कई प्रकार का उनके द्वारा आपदा की घड़ी में कई चीज़ बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वह निराश हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी जो हौसला है उस हौसला को शायद इनकी हौसला को ऊपर तक नहीं पहुंचाया जाता है। कुछ दिन तक तो लोग इसकी यूज करते हैं या फिर बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो उनकी बेटी है, वो बाहर में रही, डिज़ाइन वही दिया है, ये जो सिर में देख रहे हेलमेट की तरह, लेकिन ये हेलमेट नहीं है, ये बिल्कुल ही हल्का, लगभग 100 ग्राम भी नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ को देखिए भोंक के दिखाया जाता है, ये हेलमेट नहीं है कोई भी चीज़, मतलब फाइबर भी नहीं है, यह थर्माकोल के माध्यम से ये बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बेटी ने इनको बताए थे क्या डिज़ाइन देना, इनकी बेटी से जानेंगे, छोटी सी बच्ची है, कैसे आप जाने, क्या कुछ बताइएगा। हाँ, पापा को पीपी किट बनाना था, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डॉक्टर्स और सुरक्षाकर्मी, तो पापा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे कि अभी क्या बनाना है, मतलब क्या क्या करें अब। तो फिर पीपी किट तो मम्मी सिलकर तैयार की, फिर मेन प्रॉब्लम था हेड का, तो पापा को बोले कि मतलब कुछ जैसे मास्क भी बनाए थे पापा, तो अगर चाहते तो हेलमेट यूज़ कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भारी है, तो इसलिए पापा को एक आइडिया दिए कि थर्माकोल हल्का होता है, उसको हम लोग हेलमेट के शेप में लगाकर मतलब बना सकते हैं बस। तो आप NIT आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, कैसे इसकी आप में सोच आई या कैसे आप बनाए? आइडिया तो मेरे दिमाग में पापा जो मास्क बनाए थे ना उसी से आया था कि शेप तो हेलमेट का ही रहना चाहिए बस। तो आप देख रहे थे बहुत अच्छी खूबसूरत का बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पीपी किट है, ये बताए पूरी तरह एयर कंडीशन है, हमने भी पहन के देखा है, तो जब अपने सिर में डालते हैं तो ऑटोमेटिक सेंसर के माध्यम से वो ऊपर से हवा निकलती है पूरे बदन में, जो पूरी तरह ठंडा पैदा करती है। नवादा से नवभारत टाइम के लिए अमन की रिपोर्ट।